हेलो बच्चों, पिछला वीडियो जो था आपने देखा कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड मेथड में थी बनाई। फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो पार्ट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा करंट अकाउंट बनता है। लेकिन आज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, केवल कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था, पहले ही कह दिया था कि इसमें केवल सब कुछ कंबाइंड हो जाता है। कैपिटल का बैलेंस हमेशा अभी 50,000 था और फिर 56,000 बढ़ गया है, बदलता रहता है, जबकि फिक्स्ड वाले में ये नहीं बदलता है। अब देखें, बैलेंस वही है जो मैंने आपको पेपर में लिख के दिया है, 50,000 30,000। उसका इंटरेस्ट 5% मैंने आपको दिखाया है वर्किंग नोट्स में, 2,500 1,500। सैलरी राम को मिल रही है 6,000, कमीशन श्याम को मिल रहा है 3,000 और प्रॉफिट बांट के भी दिखाया मैंने, राम का हिस्सा 1,440 और श्याम का 960। इधर ड्राइंग्स जो की है राम और श्याम ने वो लिखी गई है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाद में ये बैलेंस, ये कैपिटल का बैलेंस आगे फॉरवर्ड होगा, इसलिए सी डी लिखा जाता है। ध्यान रखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही आपको अधिकतर बनाने पड़ते हैं, बहुत कम मिलता है जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में चलता है। इसमें हर साल हर वर्ष जो है कैपिटल चेंज होती रहती, बदलती रहती है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का है जो कि गुडविल का है। मैंने स्टार्ट कर दिया है आपके पेपर में, बस कल से मैं आपको गुडविल के मेथड्स बताऊंगा और शायद कल या परसों दो दिन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करते रहिए, नोट करें, इसको लर्न करें। थैंक यू।